हेलो गाइस, टुडे आई विल डिस्कस लाइक योर विजन आईएएस टेस्ट सीरीज एंड आई हैव माय फर्स्ट वीडियो। आई विल डिस्कस लाइक 28th क्वेश्चन एंड देन सम टेक्निकल इश्यूज कैन आई कैन नॉट डिस्कस लाइक अदर रिमेनिंग क्वेश्चन। तो देन आई विल आल्सो डिस्कस लाइक योर 72 क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो लेट स्टार्ट नाउ एंड एनी रिगार्डिंग आई विल आल्सो प्रोवाइड टू द वीडियो रिगार्डिंग दिस टेस्ट सीरीज। तो आई विल आल्सो डिस्कस लाइक 28th क्वेश्चन देन 29th क्वेश्चन आई विल डिस्कस दिस आर दिस इज योर 29th क्वेश्चन। तो इसमें बोला लिक्विडिटी, द स्टेटमेंट कंसीडर द स्टेट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। तो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी होती, व्हाट इज द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लाइक एनी एसेट फॉर द बैंक। तो इसमें बताना है कि लिक्विडिटी, इफ द बैंकिंग सिस्टम है द नेट लेंडर ऑफ द आरबीआई, लिक्विडिटी कैन बी सेड द सरप्लस। क्या ये लिक्विडिटी सरप्लस रहेगी? तो अगर बैंकिंग सिस्टम में नेट लेंडर बहुत ज़्यादा, देन द लिक्विडिटी कैन बी सेड सरप्लस, यहाँ सरप्लस रहेगी। देन द फेस्टिवल सीजन कैन द क्रिएट क्रिएट द लिक्विडिटी एज द डिफिसिट बैंकिंग सिस्टम। हाँ, द फेस्टिवल सिस्टम तो लिक्विडिटी आपकी डिफिसिट रहती है। देन फिर क्या है, द बाइंडिंग लिक्विडिटी डिफाइंड फॉर द लीड ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट फॉर द डिपॉजिटर। क्या ये बाइंडिंग, जब सभी बाइंडिंग होती है तो ये डिसीजन हायर रेट में होती है। तो दीज आर द बैंकिंग मोर देन गुड रिजल्ट। तो ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे तीनों, क्योंकि ये हायर रेट में होती है, जब सभी फेस्टिवल में भी हायर था। तो 79, अब 29 हो गया। देन 13 का क्या कहता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये है हमारा नागालैंड का, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे इसमें, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ विजिट किए थे। तो दिस इज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हॉर्नबिल फेस्टिवल, दे आर स्टेट बर्ड फॉर द केरला एंड अरुणाचल। हाँ, ये अरुणाचल और केरला की स्टेट बर्ड है। हॉर्नबिल ऐसी पक्षी होती जिसकी चोंच बहुत ज़्यादा लंबी होती, और हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड के थ्रू मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल टेक प्लेस फॉर द फर्स्ट 10th दिसंबर एवरी ईयर। तो 10th दिसंबर को ये एवरी ईयर नागालैंड में मनाई जाती है। देन दे आर द कॉल्ड इंजीनियर ऑफ द फॉरेस्ट। क्या ये इंजीनियर फॉरेस्ट को बोला जाता है? तो दीज आर द, हाँ, और ये इंजीनियर बोला जाता है। और ट्रॉपिकल एरियाज प्ले द क्रूशियल रोल डिस्पायरिंग फॉर द सीड। हाँ, ये सीड को इधर उधर कर। देन आर द लिस्ट द वल्नरेबल स्पीशीज रेड लिस्ट एंड थ्रेटेड स्पीसीज। क्या ये वल्नरेबल, हाँ अभी वल्नरेबल है, लिस्ट है IUCN की, लिस्ट में अभी वल्नरेबल है, और ये वर्ल्ड की सबसे जो वल्नरेबल ही है। एंड देन इसके सारे सही हैं। अरुणाचल प्रदेश की, ये नागालैंड की स्टेट बर्ड है, वो केरला और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है, और वल्नरेबल सेक्शन में हॉर्नबिल, और ये केरला द बेक्स हेड फॉर, इसकी हेड बहुत होती है, द ग्रेट हॉर्नबिल और रिजर्व इसको थ्रेटन है। तो दिस आर द ग्रेट हॉर्नबिल बर्ड है, फेस्टिवल भी है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। दिस आर देन द लाइक योर 21 डिफरेंस ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट FRBM के बारे में 2008, विच ऑफ द फिजिकल इंडिकेटर फॉर द प्रोजेक्ट मीडियम फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो मीडियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉलिसी की बताना है, तो इसमें रेवेन्यू डिफिसिट होता है, फिजिकल इंडिकेटर है मेन, तो इसमें GDP के सेट ऑफ द 3 ईयर रोलिंग टारगेट होता है, स्पेसिफिक इन रोल टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस होता है। तो इसमें रिन्यूएबल डिफिसिट होता है, रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, टैक्स ऑन GDP रेशियो क्या होता है, टोटल आउटकम डिफिसिट कितना होता है, प्राइमरी डिफिसिट कितना, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना होता है। तो दीज आर द होते हैं, तो टैक्स GD रेशियो टैक्स होता है, डिफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट ये भी होता है। अगर हमारा 4th सही है तो हमारा एक ही एलिमिनेट हो रहा है। देन हमारा देन द फिजिकल डिफिसिट भी होता है,
अगर फिजिकल डिफ सेकेंड अगर गलत है सही है तो इसमें नहीं है सेकेंड, देन और क्या बोल रहा है, फिजिकल डिफिसिट मैं बोला था है, रेवेन्यू डिफिसिट भी है, फर्स्ट एंड सेकेंड होना चाहिए आपके, फर्स्ट एंड सेकेंड इसमें, पर इसमें फोर्थ नहीं है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट ये थर्ड नहीं हो सकता, इफेक्टिव की तो बात ही नहीं हुई। तो इफेक्टिव इसमें चार पांच प्रकार के टैक्स डिफिसिट होते हैं, तो इसमें ये अगर थर्ड नहीं है, थर्ड यहाँ से एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 4 हो जाएगा। फिर मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन फॉर द टर्म स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन के बारे में कौन सा डिस, तो स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब द रिफर फॉर सिचुएशन इकोनॉमी व्हेन द इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयड बोथ आर द हाई लेवल, जब इन्फ्लेशन भी हाई लेवल पे हो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई, तो उसे स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर्मेट द स्टेटमेंट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, ये तो गलत हो गया। अगर व्हेन द वेज ऑफ द प्राइसेस एंड द प्राइस पुल फॉर द वेज, ये भी गलत। द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी व्हेन द इन्फ्लेशन काज ड्यू टू द पुल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट कर दिया। और ये द सिनेरियो ऑफ द कंपनी पर हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन तो हाई रहेगी पर ग्रोथ रेट जो होगी वो लो रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड द स्टैगफ्लेशन गैप बिटवीन जीडीपी एंड जीडीपी होता ही है, इन्फ्लेशन स्पायरल की बात है। देन मूव ऑन योर 13 क्वेश्चन, 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉल मनी एंड नोटिस मनी, कॉल मनी एंड नोटिस मनी के बारे में हमको बताना। तो द मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फिजिकल डिपोजिट मोस्ट आर द ट्रांसफर बिटवीन 2 डेज होता है, इनेबल पार्टिकुलर फ्री एंड फ्री, तो इसमें हम बताना कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉल मनी एंड नोटिस मनी, अंडर द नोटिस मनी मार्केट फंड हायर द सेल ट्रांसफर टू द ओवरनाइट बेसिक, क्या ओवरनाइट बेसिक पे दिए, शॉर्ट टर्म में दिए जाते हैं, सरप्लस होते हैं। अब मनी क्विकली होती है यहाँ पे, तो अगर क्विकली होती तो ये फर्स्ट नहीं है। देन ये मॉनेटरी शॉर्ट टर्म फिजिकल डिपोजिट के द्वारा दिया जाती है फर्स्ट एंड इंस्टॉल मार्केट एंड देन RBBS के दिया जाता है, यहाँ RBI का कोई रोल ही नहीं होता, तो ये हो जाएगा द लैंड डेवलपमेंट बैंक देता है, प्राइमरी डीलर देता है, बोथ आर द कॉपरेटिव बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक एंड द डीलर बैंक प्राइमरी, तो हमारे यहाँ पे कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू द रेट ऑफ द मनी मार्केट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव डिसाइड करते, तो इसका नाइदर वन नाइदर टू है। तो मोबान योर 34 नंबर क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द इन्फ्लेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो RBI एक्ट आया था 1934 को, तो उसी के रिगार्डिंग बोला है कि RBI कंसिलेशन विथ हिज द गवर्नमेंट डिसाइड टू इन्फ्लेशन टारगेट एंड द टर्म ऑफ द कंज्यूमर प्राइस, ये CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बोला, तो क्या RBI दिया करता है, तो अंडर सेक्शन 90(45)(z)(a) के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड कंसोलिडेटेड RBI डिमांड टू द इन्फ्लेशन टारगेट एंड प्राइस CPI कंज्यूमर 5 ईयर के बाद डिसाइड करती है। देन हमारा सेकंड है, तो फर्स्ट तो हमारा सही हो गया, फर्स्ट हमारा भी गलत है क्योंकि डिसाइडेड ये गवर्नमेंट कहता है जबकि RBI डिसाइड करती है, विथ द गवर्नमेंट इन्फ्लेशन। फिर द एवरेज ऑफ द इन्फ्लेशन फॉर हायर अपर टॉलरेंस लेवल 2 ऑफ द कंसेशन क्वार्टर में बता दें कि क्या है, तो 2 क्वार्टर में फाइंड द फेल अचीव टू इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेट टू द टॉलरेंस बैंड बिटवीन द रेशियो टू एवरी 5 ईयर, तो यहाँ पर हम बताए थे कि ये 5 ईयर में CPI ये प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5 ईयर में ही होता है, तो दिस अगर इसका 3 सही है, द बैंक हैव रिफर टारगेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व द फेलियर ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट एक्शन पॉजिट, तो अब इसका 3 अगर सही है तो मैं भी करेक्टली पूछा तो 3 सही है करेक्टली, RBI और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टॉलरेंस लेवल ये 2 और कंज्यूमर 3 कहता है, क्वार्टर फर्स्ट में रहा कि क्वार्टर सेकेंड में रहा कि क्वार्टर थर्ड में रहा, अगर सेकेंड एलिमिनेट कर देंगे ये तो सारी जगह से हमारा आंसर सही आ जाएगा।
देन मूव ऑन योर डार्क मैटर. क्या है डार्क मैटर? द तमिलनाडु गवर्नमेंट. तो ये है कि 25 का डार्क मैटर अंडर द VI, अंडर द यूजर एंड इंटरफेस, यूजर एंड एक्सपायरी, ये इसी ने लाया था. देन द मिस आउट एंड द यूजर ट्रिक्स, बेनिफिट फॉर कंपनी, फॉर प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिजाइन करने के लिए, पैटर्न के लिए लाया गया. द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ द डार्क मैटर एंड द डार्क मैटर. एक ने आप उसमें पढ़े हो, जियोग्राफी में पढ़े हो, एक डार्क मैटर अपने फिजिक्स में पढ़े हुए. तो ये डार्क मैटर इकोनॉमिक्स के टर्म में सीन इन द न्यूज़. तो पॉइंट ऑफ स्पेस ट्रेवल रेपल फॉर द ग्रेविटेशन एंड नॉट ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट द अनएथिकल इंटरेक्शन डिजाइन फॉर द रिस्क ऑनलाइन यूजर के लिए है क्या ये? तो हाँ, अभी मैं बताया ना कि ये इसी के लिए. फिर अदर क्वेश्चन पढ़े तो द टेक्निक यूज फॉर द डेटा बेस फॉर द क्रिमिनल इन्वॉल्व फॉर द टेक्नोलॉजी, ये तो है नहीं. द इनक्रप्ट नेटवर्क फॉर द इंटरनेट एंड नॉट इन फॉर द सर्च इंजन, तो ये सर्च इंजन के लिए. तो अगर थर्ड भी गलत, फर्स्ट भी गलत, फोर्थ भी गलत, तो आ जाएगा ये है जो डार्क नेट मैटर है. ये एग्जांपल है सोशल मीडिया है, लिंकडिन है, यूजर रिसीव टू द अनस्पोर्ट फॉर द स्पॉन्सर इन्फ्लुएंस फॉर द, या फिर डार्क मैटर टेक अवे फ्रॉम द यूजर राइट टू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ द सर्विस दे हैव यूज द, रिड्यूस कंट्रोल ओवर द बोरिंग ऑफ एक्सपीरियंस है. तो ये टेक्निक है यूज करने हैं. तो ये थर्ड आपको गलत है. देन द यूजर कैन इंटरफेस डिजाइन टू द मिसलीड फॉर द ट्रैक ऑनलाइन यूजर, तो हमारा बी आ जाएगा. ये डार्क मैटर है कि जो हम इंटरनेट है उसको मिस यूज नहीं करना. देर यूजर इंटरफेस डिजाइन टू द मिस ट्रैकल ऑनलाइन यूजर्स के बारे में बता रहे हैं. देन 36 नंबर, द प्रोजेक्ट नील थार, नील गिरी जो थार है, रिसेंटली लॉन्च द तमिलनाडु गवर्नमेंट विच द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेम, बता नीलगिरी थार के बारे में बताना है. तो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसे उन्होंने पहले ही बता दिया था. इट इज़ द एंडेमिक फॉर द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. क्या ये सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में था? तो ये वेस्टर्न घाट, दिस इज इंडिया एंड दिस इज ईस्टर्न घाट इधर, और ये वेस्टर्न घाट में था. तो तमिलनाडु एंड द नीलगिरी थार वॉज द थ्रेटन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट फाउंड रफली फॉर द 4000 ये 400 किलोमीटर के अंदर द वेस्टर्न घाट एंड केरला एंड तमिलनाडु में. अबाउट द नील हरी जो नीलगिरी थार है, इट इज़ द थार इंडेक्स इंडेंजर्ड IUCN डिस्ट्रीब्यूशन एडल्ट मेल नीलगिरी स्पीसीज एरिया सैंडल कहा जाता है एंड एनिमल तमिलनाडु है, ये एनिमल तमिल. तो इट इज़ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है. अभी ये वनरेबल की कैटेगरी में आ रहा है. तो वेस्टर्न घाट में एंड देन, तो अगर सेकेंड हमारा गलत तो ये एलिमिनेट हो गया. देन कहा कि की स्टोन स्पीसीज लाइक योर मुक्ति थी नेशनल पार्क, क्या ये मुक्ति नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो ये मुंडामुलम नेशनल पार्क, मुंडू मलाई ने बांदीपुर नेशनल सेंचुरी, नागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये तो मुंडू मलम ये पाए जाते हैं. तो इसका वन एंड थर्ड, तो डी नंबर इसका सही हो गया. देन 37 विच ऑफ द रेफरेंस फॉर द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP के बारे में बताना. तो GNP नेट नेशनल प्रोडक्ट टोटल वैल्यू ऑफ द फिशिंग जो फिनिश जो गुड होते हैं एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द कंट्री एंड द सिटीजन ओवर ओवरसीज एंड डोमेस्टिक माइंस डिपोजिटन दैट कॉल्ड ऑफ GNP एंड GNP तो कहता है इसमें बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है. तो इनकम अर्न बाई इंडियन सिटीजन फ्राम द आउटसाइड कंपनी एक्सक्लूसिव फॉर GNP. फिर कहा द इंक्लूडिंग फॉर द अर्न बाय द फॉरेन रेसिडेंट इन द कंट्री. तो फॉरेन कहाँ से होगा? जैसे GDP होता है, GDP में होता है कि सारे जैसे गुड्स एंड सर्विस विद इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया,
टेरेटरी में जो कर रहे हो कि फॉरेन का, जैसे फॉरेनर है कंपनी उनका माइनस डिग्री कर, कोई फॉरेनर अगर रेमिटेंस आता है तो उसको ऐड करना पड़ता है, तो ये हमारा थर्ड गलत। द इंडिया GNP हैज़ द लोअर देन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या जो इंडिया का जो GNP है तो क्या लोअर है ये देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, GDP से तो लोअर ही रहता है हमेशा। तो अगर हमारा थर्ड, तो इसमें पूछा है करेक्टली कौन है, टोटल वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड एंड द सर्विस प्रोवाइडेड द कंट्री सिटीजन इन द मिनिस डिपोजिशन। तो अगर फर्स्ट हमारा के, ये तो GDP के बारे में बता रहा है, इनकम अर्न फॉर द सिटीजन आउटकट पे, इनकम अर्न सिटीजन ये फॉरेन को यहाँ से मतलब माइनस नहीं किया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये हमारा आएगा कि विदिन द लोअर देन लोअर होता है। फिर हमारा अब 38 नंबर, समाख्या शरम शरमाना यात्रा, इट इज़ द ऑल्सो नोन एज द मेदारम मेडाराम यात्रा बाय नेलियल ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेशन विच ऑफ द स्टेट, तो ये कौन सी स्टेट में, तो दिस आर द सेलिब्रेशन ऑन तेलंगाना एंड दिस इज़ द बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड स्टेट ऑफ तेलंगाना, सेकेंड लार्जेस्ट ये फेयर है आफ्टर हमारा जो कुंभ मेला लगता है उसके बाद, देन द सेलिब्रेशन सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी लगते वाला तेलंगाना की ट्राइबल कम्युनिटी द, ये है आपका कोया ट्राइबल जो कम्युनिटी है इसके द्वारा, और ये ईस्टर्न द ईस्टर्न घाट उड़ीसा छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बीच में से, ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिजर्व मनी, ये MO के बारे में बताना है हमें, जैसे इसमें सर एक MO, एक M1, M2 होता है, MO2 होता है, तो इसमें हमें बताना है। तो MO बराबर होता है कि आपका जो करेंसी कितनी है, करेंसी इन द सर्कुलेशन एंड प्लस जो बैंक में है, बैंकर जो है डिपोजिशन के तहत विथ RBI के साथ, प्लस हमारा अदर आ जाए अदर डिपोजिशन विथ RBI के साथ, ये MO होता है। करेंसी सर्कुलेशन बैंक डिपोजिशन विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिपोजिशन बाई RBI, तो अगर ये हमारे मिल जाएंगे तो द बैलेंस अकाउंट ऑफ द फॉरनर सेंट्रल बैंक क्या है, तो ये हमारा सही है। फिर द बैंक डिपोजिशन विथ RBI, बैंक डिपोजिशन RBI करता है, देन अकाउंट एक्सटर्नल एजेंसी विच इज सच द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, क्या IMF करता है, नेट RBI क्रेडिट फॉर द गवर्नमेंट, क्या ये नेट RBI गवर्नमेंट को क्रेडिट करता है, तो इसके हमारे सारे सही हैं। MO हम बताए कि आपका कौन कौन सी इसमें होते हैं। देन मूव ऑफ ये 40 नंबर क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक बोटियम, यहाँ पे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक एंड रिसेंटली डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या इसके बारे में हमें बताना है कि इसको EBM से आपको कनेक्ट करवाया है, कि द स्टैंड ऑल फॉर द नॉन नेटवर्क सिस्टम अनलाइक इलेक्ट्रॉनिक बोटियम इलेक्ट्रॉनिक बोट मशीन जो है, तो क्या ये दोनों है कनेक्ट करते हैं किससे, स्टैंडल फॉर नॉट नेटवर्क नॉन नेटवर्क है, तो दोनों हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये नॉन नेटवर्क का भी तो फर्स्ट गलत। इट विल द प्रिंटेड पेपर बैलेट शीट, क्या ये प्रिंटेड पेपर बैलेट शीट को करता है, तो ये पेपर बैलेट शीट को नहीं करता, द सिंगल रिमोट बैलेट यूनिट है ये, और ये मल्टीपल कंस्ट्रक्शन मैनी एफ 70 यूजेंट डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड है ये, इंटेक्शन यूजली फॉर बैलेट सीट EBM देन बैलेट यूजर, तो ये हमारा सेकेंड हो गया, ये सिंगल है। द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के थ्रू आया था एंड अमेंडमेंट फॉर इंट्रोड्यूस RBM, तो हमारा थर्ड ओनली थर्ड ही सही है, तो अगर हम फर्स्ट को एलिमिनेट करें सेकेंड को एलिमिनेट करें तो आंसर हमारा ये ओनली 3 आएगा। रिसेंटली पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द NPCA एंड एम, तो विच आर द रेफरेंस फॉर द नेशनल मेडिकल कमीशन
कंसीडर द फॉलोइंग इज, तो हम हमारा बताना है कि नेशनल एमसी मेडिकल कमीशन, दिस इज द ऑटोनॉमस बोर्ड है, रिसर्च कम्युनिटी सेलेक्ट फॉर द प्रोड्यूस फॉर द नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 एक्ट के तहत आया था, द नेशनल काउंसिल एमसीआई। एंड फिर इसके बताना है द चेयरपर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं क्या इसके, तो इसके चेयरपर्सन जो होते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के, एबिलिटी टू हायर द चेयरपर्सन मस्ट बी मेडिकल प्रैक्टिस, तो यहाँ पे चेयरपर्सन जो मेडिकल प्रैक्टिस करेगा वो होता है, तो फैमिली एंड हेल्थ मेयर के, हेल्थ वेलफेयर के नहीं होता जो प्रैक्टिस करता भाई। देन द प्रोवाइडेड अ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इंश्योर द एबिलिटी ऑफ द हायर क्वालिटी मेडिकल प्रोडक्ट, तो ये हो ये है। देन द मेंबर ऑफ इंक्लूडिंग द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रोडक्ट, ये थर्ड गलत, ये भी गलत। देन फर्स्ट भी हमारा गलत, मैं तो इसका आ जाएगा आंसर बी ओनली, द प्रोविजन फॉर मेडिकल एजुकेशन फॉर क्रिएटिंग द हायर एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली फॉर जीरो कूपन बॉन्ड, तो जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में पहले भी कई बार पूछा था, जीरो कूपन बॉन्ड होता है अनलाइक द अदर बॉन्ड नॉट गिवन बाय द इन्वेस्टमेंट रेगुलेटर इंटरेस्ट पेमेंट इंटरेस्ट दे आर इशू, तो जीरो कूपन बॉन्ड इशू बाय द डिस्काउंट फॉर रेमिटेंस एंड दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड होता है, द वैल्यू असाइन टू जीरो कूपन बॉन्ड फॉर द ऑफर रेगुलेट टू रिटर्न एंड रिस्क ऑफ, इसमें जीरो कूपन बॉन्ड होता है जो ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट के लिए, तो नॉट डिस्क्राइब करना है, तो दिस आर द जीरो कूपन बॉन्ड, ये फिक्स एंड पॉपुलर फॉर फिक्सड इनकम एंड द इशू फॉर गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव, द जीरो कूपन बॉन्ड फॉर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड टू गवर्नमेंट एंड द कंपनीज, ये गवर्नमेंट एंड कंपनीज के बीच में इशू होता है, नॉट करेक्टली दे आर द इशू डिस्कॉम एंड द रिमेंडेंट फायर, हाँ तो ये गवर्नमेंट एंड जो कोऑपरेटिव उसके लिए, अनलाइक द बॉन्ड दे आर नॉट गिवन बाय द रेगुलेटर एनी पे आउट द इन्वेस्टमेंट, तो हाँ ये एनी पेमेंट, दिस आर द बॉन्ड हायर रेमिटेंस रिस्क, इसमें हायर रेमिटेंस, जीरो कूपन बॉन्ड कैन बी द ट्रेड विथ द सेकेंडरी मार्केट, क्या हम सेकेंडरी मार्केट में इसको कर सकते हैं, तो ये भी हमारा थर्ड भी सही है, तो हमारा इसमें गलत आ जाएगा, दे नॉट हाईली रेसिडेंस, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ओनली सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नेशनल रिकमेंडेशन नेशनल बॉम्बे मिशन रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग, न्यूज में था तो रिगार्डिंग द बम्बू, जो हमारा बम्बू ट्री होता है उसके, तो बम्बू ग्रो ऑन द फॉरेस्टेड एरिया एज बिन द इंक्लूडिंग डिफाइनिंग फॉर द ट्री फॉर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्मर एडवाइजरी ग्रुप स्टेटमेंट दिया है कि बम्बू सेक्टर, बम्बू नेशनल मिशन अभी हम लॉन्च किए हैं, बम्बू नेशनल मिशन लॉन्च किए हैं, तो ये फर्स्ट हमारा गलत हो गया, ये डिफाइन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज किया, तो ये फर्स्ट गलत, बम्बू हैज़ बीन इंक्लूडेड एज, देखो यहाँ तक तो सही है, बम्बू ग्रोन द फास्टर है, पर ये मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत नहीं आती, फिर बम्बू हैज़ बीन इंक्लूडेड टू माइनर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट राइट, हाँ ये सही है, द नेशनल बम्बू मिशन सेंट्रली रिस्पॉन्सड स्कीम डेवलप बाई द बम्बू सेक्टर, हाँ तो ये सेंट्रल रिस्पॉन्सिव स्कीम ही है जो नॉर्थ ईस्ट को दी गई है, स्टेट बम्बू प्रोडक्शन इंडिया, और इंडिया हाईएस्ट एरिया है बम्बू का है, जो ट्री है द 13.6 मिलियन है, द बम्बू आर द सेक्टर इंक्रीजिंग, चाइना के बाद हमारा नंबर आता है, इतने हमारे पास इतनी स्पेसीज हैं, रॉयल बम्बू ट्री कैटेगरी के द फॉरेस्ट एक्ट 2019 एंड दिस इज द बम्बू हैज़ बीन द डिक्लाइन फॉर द माइनर प्रोडक्ट एंड द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत हमने डिस्काउंट के द कलेक्टिव डिपॉजिट, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अगर फर्स्ट नहीं है, देखो फर्स्ट यहाँ से एलिमिनेट, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली टू एंड थर्ड आ जाएगा, अगर फर्स्ट एलिमिनेट करें तो आंसर हमारा ऑटोमेटिक है। देन द फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली कंसीडर द जॉइंट ट्रेनिंग फॉर एक्सरसाइज सूर्या किरण
और ये सूर्य किरण हम किससे करते हैं, हमारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूर्य किरण हम इंडिया नेपाल ज्वाइंट एक्सरसाइज है सूर्य किरण की, तो हम इंडिया एंड नेपाल के साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ हम मित्र करते हैं, एंड जापान के साथ हमारा जो सिंगापुर के पास सिम्बेक्स करते हैं, सिम्बेक्स हो गए जापान के साथ, देन दिस आर द किरण सूर्य नेक्स्ट, तो हम ये हम नेपाल के साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ मित्र हो गई और जापान के साथ हम जिम्बेक्स करते हैं, सिम्बेक्स इसके सिंगापुर के साथ करते हैं। तो ये हमारा 16 एडिशन था, 2020 दिसंबर में हेल्ड किया गया था, तो ये हम नेपाल के साथ करते हैं। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन विच ऑफ देर द टेम्प्रेरी शोरिंग द प्रेशर स्लोइंग पेस ऑफ द प्रेजेंट इन्फ्लेशन यूज आर द इन्फ्लेशन मैगनी शॉर्ट टर्म विच ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन हैव बीन डिस्क्राइब द पैसेज, तो ये जो पैसेज में है किस इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब करा गया है। कहता है इकोनॉमिक सिचुएशन विच इज़ द टेम्परेरी स्लोइंग, कि इकोनॉमिक्स को स्लो हो गई है, द पेस प्राइस इन्फ्लेशन जो प्राइस है उसका हायर हो गई, द यूज ऑफ द क्रैम टू द इंक्रीजिंग वेन द इन्फ्लेशन रेट एंड द रिड्यूस टू द मार्जिन ओवर द शॉर्ट टर्म, क्या शॉर्ट टर्म जो हमारी बढ़ जाती है, तो ये डिस इन्फ्लेशन के बारे में कर रहा है, डिस इन्फ्लेशन के बाद एक डिफ्लेशन होता है, स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है कि अचानक प्राइस हमारा बढ़ जाए, तो स्टैगफ्लेशन रिफर टू इकोनॉमी देन द इन्फ्लेशन स्लो स्ट्रांग द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड द स्टैग इन्फ्लेशन स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है फ्रॉम द इन्फ्लेशन विज ड्यू टू द ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर वीकनेस सप्लाई एंड बॉटल नेक हो जाएगा, द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, द इकोनॉमिक लैक एंड द क्विट फॉरिजन, और फिर डिफ्लेशन हम बता देंगे यहाँ पे, डिफ्लेशन द इकोनॉमिक टर्म यूज डिस्क्राइब द ड्रॉप ऑफ द क्रॉप प्राइस, जैसे इकोनॉमिक क्रॉप प्राइस ड्राइस इसका रिड्यूस हो गया, देन द गुड सर्विसेज आर द स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक आर जनरली वेन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ द गुड एंड सर्विसेज लोअर, तो ये हमारा डिफ्लेशन के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर लोअर हो जाएगा, देन द GDP डिफ्लेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो GDP डिफ्लेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू द प्राइस एंड द ऑल डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक, तो ये ऑल हो गया क्या, तो ये ऑल ही होता है, देन द जर्नल फॉर इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड फॉर द ऑल डोमेस्टिक एंड GDP डिफ्लेंट फॉर एक्सक्लूसिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गुड्स होता है एक्सक्लूसिव गुड होता है, तो अगर हमारा ये भी सही है देन द GDP डिफ्लेंट बेस्ट सिचुएशन इंडिकेटर ट्रैकर फॉर द मंथली चेंज इन्फ्लेशन, मंथली कहाँ होगा यहाँ पर, दिस इज द मंथली कैन नॉट तो गुड द प्राइस सर्विस एंड CPI टू टारगेट, तो अगर थर्ड हमारा गलत है करेक्टली यहाँ पहुँचा तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, देन 47 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड टू एनी इंक्रीजिंग ऑफ द सेविंग ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमी, तो हम सेविंग रेट ऑफ इकोनॉमी क्या करेंगे, सेविंग द फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन सेविंग लेवल, एक इन्फ्लेशन आ जाएगा इफेक्टिव, देन एक मार्जिनल प्रोस्पेक्टिव सेविंग हो जाएगा, लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा क्या, तो हमारा बता हायर इन्फ्लेशन लो इंटरेस्ट रेट राइजिंग ऑफ हाउस होल्ड इनकम, क्या हाउस होल्ड की इनकम की, कहता फॉलोइंग कुड बी लीड द इंक्रीजिंग ऑफ द सेविंग रेट, अगर हम सेविंग रेट बढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक्स में क्या, तो राइजिंग ऑफ हाउस होल्ड इनकम बढ़ जाएगी, लो इंटरेस्ट रेट तो होगा ही नहीं, हाई इन्फ्लेशन होगा क्या, हाई इन्फ्लेशन क्योंकि हम सेविंग करते हैं इन्फ्लेशन तो कोई चांसेस, तो फर्स्ट की अगर कोई चांसेस ही नहीं है, देन सेकेंड लो रेट इनकम लो इंटरेस्ट रेट देंगे तो ये भी डिफाइन नहीं होगा, तो सागर पीरियड टाइम हायर इकोनॉमिक, तो अगर हमारा ये अगर थर्ड तो सही है ओनली राइस ऑफ हाउस होल्ड इनकम, तो हमारा ये आ जाएगा इसका फर्स्ट का सी हो जाएगा, सर कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टर्म फॉर द ट्रेड, तो हमें इसमें बताना है जो टर्म बेस्ट डिस्क्राइब है जो टर्म
ऑफ द ट्रेड के बारे में। तो टर्म्स ऑफ द ट्रेड क्या है, TOT, टर्म्स ऑफ द ट्रेड के बारे में। तो डिपेंडेंट पर रेशियो बिटवीन द कंट्री एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस। तो ये कहता है कि जो टर्म्स ऑफ द ट्रेड है, लाइक दिस एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, रेशियो उसके बारे में डिसाइड करता है TPT। तो दिस इज़ द पेन कैपेबल लेविंग टू कंट्री 100% ऑफ TPO। दो टर्म ट्रेड ऑफ इंडिया लाइक एवरेज इतने मिलियन है। तो रिफरेंट डिफरेंस बिटवीन द मोनेट्री वैल्यू कंट्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसका पहले ही सही हो जाएगा, सॉरी अभी इसमें टर्म बेस्ट डिस्क्राइब बोला है। डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू फ्यूल एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो फ्यूल की तो कोई चर्चा ही नहीं किया है। द रेशियो, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, द कंट्री एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस। तो इसका थर्ड सही हो जाएगा। द सेट ऑफ रूल स्टेबल WTO ट्रेड इनकम। तो WTO का थोड़ा ना डिफरेंस, अब फर्स्ट में जाते डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो है बिटवीन एंड द मोनेट्री वैल्यू, मोनेट्री वैल्यू द कंट्री इंपोर्ट, मोनेट्री वैल्यू नहीं, तो इसका सही हो जाएगा। इसमें रेशियो के बीच में करना है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का क्या डिफरेंसन, डिफरेंस बिटवीन की। तो टाइम ऑफ द ट्रेड, फिर RBI रिसेंटली इंक्रीजिंग रेपो रेट। तो जब रेपो रेट क्या होती है, जब रेपो रेट, तो जब ये रेपो रेट, जब बैंक मतलब RBI बैंक से लोन लेता है, दिस इज रेपो रेट। तो क्या होता है, तो इंक्रीजिंग द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो ये बैंक लोन लेंगे किससे, RBI से। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल इम्पैक्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी, स्लैम्प इंडियन स्टॉक मार्केट, स्लैप हो जाएगा क्या, तो इंडियन मार्केट हो जाएगा। देन इंक्रीजिंग टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड एल्ड, क्या शॉर्ट टर्म बॉन्ड एल्ड हो जाएंगे क्या, जो शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड हैं वो बढ़ जाएंगे। एंड डिक्रीजिंग लॉन्ग टर्म फॉर द बॉन्ड, तो अगर थर्ड हमारा गलत है क्योंकि डिक्रीजिंग लॉन्ग टर्म नहीं बनेगा, तो फर्स्ट हमारा सेकेंड सही है। आउट फ्लो द फंड फॉर द इक्विटी टूवर्ड फॉर द लेस रिस्क फॉर द डेबिट इन्वेस्टमेंट। तो हमारा अगर फर्स्ट और सेकेंड सही है, फर्स्ट सेकेंड इसमें भी सही है, तो इसमें है नहीं, देन सेकेंड इसमें ओनली फर्स्ट तो आई नहीं, देन द फर्स्ट सेकेंड इसमें भी है, तो ये भी तो हमारा द माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर में है भी रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4th हो जाएगा हमारा। अगर थर्ड एलिमिनेट कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा, तो थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, तो दो एलिमिनेट, फर्स्ट टू फोर्थ को एक बार देखते हैं। आउट फ्लोइंग फंड फॉर द इक्विटी टू वर्ड फॉर द लेस रिस्टिविटी, क्या आउट फोल जो रिस्क है वो लेस डिपोटिस है, तो ये हमारा फोर्थ भी सही, तो ये हमारा 1749 का ये हो जाएगा। देन 15, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर फॉर द इकोनॉमी, अरेंज द सेक्टर फॉलोइंग द इकोनॉमी इंक्रीजिंग टू द शेयर ऑफ इंडिया द नेशनल ग्रोथ GAB के बारे में बताना। GAB बहुत बार आ चुका है, तो क्या एग्रीकल्चर एलाइट सेक्टर में है, एलाइट सेक्टर में लाइक जो एग्रीकल्चर एलाइट सेक्टर में आ जाएगा, जैसे माइनिंग एंड क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड कंजप्शन, तो ये आ जाएगा सर्विस सेक्टर एंड द माइनिंग क्वारिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो माइनिंग एंड क्वारिंग आ रहा है पहले हमारा, तो थर्ड से शुरू होना चाहिए क्योंकि माइनिंग एंड क्वारिंग 26% है 2020-21 में, फिर 28% हुआ, देन 25% हुआ, तो माइनिंग एंड क्वायरिंग से हुआ तो हमारा थर्ड आना चाहिए, पहले थर्ड हो गया, देन मैन्युफैक्चरिंग से आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से माइनिंग एंड क्वायरिंग के बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग देन फोर्थ आना चाहिए। तो अगर कोई नहीं है देन फिर सर्विस सेक्टर में हमारा, सर्विस सेक्टर पे हमारा सर्विस सेक्टर नहीं, पहले एग्रीकल्चर आएगा, फिर एग्रीकल्चर आया, एलाइट सेक्टर हो गए, फिर आ जाएगा हमारा सर्विस। तो अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो सर्विस सेक्टर आप जानते हैं कि सर्विस सेक्टर हमारा मैक्सिमम देता है, तो सबसे हाईएस्ट। तो देखो इसने दो दो क्वेश्चन बनाए, यहाँ पे भी दो, तो हमारा एक ही एलिमिनेट हो रहा था, पर यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमारा माइनिंग एंड क्वायरिंग पे है, तो एंड फिर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे है, फिर हमारा जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर उस पर है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका फर्स्ट सही हो जाएगा।
तो आप जानते हैं सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। 51 कंसीडर द फॉलोइंग द सिचुएशन कैन बी लीड अप द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन बताना है। दिस दो सिचुएशन सेट ऑफ द फैक्टर ड्यू टू द विच ऑफ द मे बी द इंक्रीजिंग इन द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमिक्स। तो इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन में डिमांड ऑफ द सप्लाई बढ़ जाती है, पुल करता है तो इंक्रीजिंग द गुड्स एंड सर्विस बढ़ता है। चेंजिंग ऑफ द कंजप्शन पैटर्न द इंक्रीजिंग ऑफ एडिशनल प्राइस, हाँ ये हो जाएगा। तो हमारा अगर सेकेंड हमारा गलत है। द इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव द प्राइस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टू द टैक्स रिबेट द एंड इंक्रीजिंग टू द ब्लैक मनी। कैसे ब्लैक मनी बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट एक होता है कॉस्ट पुश होता है और एक फैक्टर होता है और एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो फैक्टर होता है तो हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन अगर हमारा यहाँ से मान लो यहाँ से हमारा फोर्थ तो सारे में है तो फोर्थ हमारा होगा ही, थर्ड एक ही एलिमिनेट हो रहा है। देन फोर्थ फर्स्ट थ्री एंड फोर्थ है एंड फर्स्ट टू तो हमारा फोर्थ तो होगा नहीं। देन हमारा सेकंड हम एलिमिनेट करें इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, तो सेकंड एलिमिनेट करने से हमारा आंसर आ रहा है फर्स्ट आ रहा है। देन 52 रिसेंटली द साइंटिस्ट यूज द सुपर कंप्यूटर टू द सिमुलेट द रिट्रीट रूप पेड फॉर द स्पेस टाइम। कंसिडर द ब्रिज बिटवीन द रिमोट सेंसर इन यूज द यूनिवर्स। कंसिडर द जनरल थ्योरी रिलेटेड टू द हाइवेलेंटिस इन द ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंसिंग द स्मार्ट पेबीज ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इन द बीट ऑफ डिस्क्राइब टू द पैसेज। अब इसमें कौन सी है जो पैसेज को बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है। वार्म होल है, हाइपरथेसिस स्ट्रक्चर है, दिस इज द कनेक्टेड पार्ट द डिफ्यूज पार्ट स्पीसीज बेस एंड द विजिबल द स्टेनिया। तो ये सिचुएशन है आपकी द रिफ्रेंश स्टेनिया रोशन। मैं ऐसे क्वेश्चन को बोलता हूँ कि आप स्किप करो क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन में भी हो सकता है परसेंट की रॉन्ग होने के चांसेस है। अगर मान लो आपको आता है ये वार्म होल सी है मान लो, तो आपके 25% चांस है कि सही हो जाएगा। 75% तो व्हाइट होल्स आप जानते ही हैं कि ये ब्लैक होल का जो पार्ट है सम, तो वार्म होल्स है ये। वार्म होल्स वो सिचुएशन होता है द विजुअल फॉर द टर्न बिटवीन द टू इंडेड द सेपरेट फॉर द टू पॉइंट सेपरेशन साइंटिस्ट रिफर फॉर द टू नाथन रोशन ने किया था इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सर। मैं ऐसे क्वेश्चन हमेशा बोलता हूँ आप स्किप करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट विच इज द फॉलोइंग कंसिडर्ड अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपका डोमेस्टिक नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में कहता है द कंसिडर डोमेस्टिक। तो हम जो अपने इंडिया में गुड्स एंड सर्विस विद इन द पीरियड ऑफ द टाइम एंड द विद इन बाउंड्री सिचुएशन दिस आर द सिप एंड एयरक्राफ्ट ओपन टू द नॉर्मल रेसिडेंट स्टेट ऑफ द कंट्री। हाँ तो ये फर्स्ट है ना। एंड द नेचुरल राइजिंग ऑफ द ऑपरेशन टू द रेसिडेंट कंट्री फॉर इंटरनेशनल वाटर, ये भी है। द इनेबल फॉर द कंसिडर टू द फॉरेन कंट्री लोकल कंट्री, तो फॉरनर कहाँ से आ जाएंगे। थर्ड एलिमिनेट करो तो थर्ड एलिमिनेट करने के बाद 1 और 2 आ जाएगा इसका, क्योंकि फॉरन का कोई रोल ही नहीं है, फॉरन को माइनस करते हैं। देन द 34 नंबर का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप करेक्ट बताना। ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द रिग्रेसिव इन नेचर, क्या आज जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। एंड ऑल द डायरेक्ट टैक्स इन द प्रोग्रेसिव इन नेचर, तो जो ऑल द डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव तो होते पर प्रोग्रेसिव नहीं होते। मैन द जनरली प्रोग्रेसिव नेचर मीनिंग ऑफ द लार्जर परसेंटेज ऑफ द फॉर्म ऑफ द हाई इनकम अर्न। तो इसका अगर प्रोग्रेसिव तो फर्स्ट एलिमिनेट देन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मूव ऑन योर अदर क्वेश्चन 55 इन द कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में बताना है। तो हाई कोर्ट हायर कोर्ट का होता है, हायर कोर्ट होता है कि डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द एक्चुअल वैल्यू एसेट यूज बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो जैसे लोन एक्चुअल जो होता है लोन, और उससे आप ज़्यादा लेते हैं, दिस आर द लेंडर गेट फॉर द लीस्ट सम अमाउंट ऑफ द बैक टू इंटरेस्ट, नॉट गेटिंग फॉर द मनी एट ऑल। तो ये डिस तो हायर कट होता है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। तो इसका पहले सही दिन हम भी और पढ़ते हैं, रिजर्व रिक्वायर्ड टू द कमर्शियल बैंक, बैंक की तो बात ही नहीं कहते, प्रोवाइडेड टू वेयर सेल द रिसेंटली क्लासिफाइड लोन्स, ये लोन्स की बात, डिस्क्राइब टू द बैंक रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस आर एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देन 31st, तो हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे बच्चे हैं लाइक योर 56 to 100, 56 to 100 आई विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये आपके लिए भी ज़्यादा इनफ हो जाएगा, मेरे लिए भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लास्ट जो 10 आई विल इसमें डिस्कस हम 60 कर ही देते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिक्स एंड द इंक्लूडेड टू द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताना। तो इसमें ग्रॉस कैपिटल मशीनरी ऑफ रिक्वायरमेंट आ जाता है, लाइव स्टॉक और सेमी मैन्युफैक्चरिंग गुड आ जाता है, डिफेंस इक्विपमेंट आ जाता है क्या? तो इसमें हमारा आ जाएगा क्या, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं आता, क्योंकि वो तो आएगा ही नहीं, वो कि तो सेंट्रल रिजर्व के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होता है। तो कैपिटल ग्रॉस मार्केट में तो अगर फोर एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ से, तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एडिशनल काइंड ऑफ द लाइव स्टॉक, ब्रीदिंग स्टॉक, ड्रॉट एनिमल्स, डेयरी एंड कैटल, अदर्स आ जाएगी, इंक्रीजिंग स्टॉक, वर्क एंड प्रोग्रेस। तो सेमी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी इसी में जाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेरेबल गुड्स नॉट हैंडल पार्ट हाउस होल्ड, इंक्रीजिंग स्टॉक, डिफाइंड पार्ट स्कोप ऑफ द ग्रॉस फॉर्मेशन। तो ये डिफेंस बस नहीं आएगा, तो और सारे आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देन 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ द रेफरेंस ऑफ द इनक्रिप्टल कैपिटल रेशियो। दो इन क्रेमिटल कैपिटल आउटपुट रेशियो फ्रिक्वेंटली एक्सप्लेन फॉर द रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑफ इकोनॉमिक एंड कंसीडर द इंक्रीजिंग ऑफ जीडीपी के बारे में बताना। तो इसमें क्या है, द एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द इकोनॉमिक रिटर्न टू द इंक्रीज। तो ये जीडीपी द आईसीआर इंडियन इकोनॉमी फॉर रिलेटेड टू द लास्ट ओवर द लास्ट डिकेड। तो ये अगर सेकंड हमारा एलिमिनेट हो गया, लास्ट डिकेट नहीं, तो देन द करेक्टली पूछो तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 58 का कंसीडर द जेंडर बजटिंग। अब जेंडर बजटिंग कई बार सुन, जेंडर बजटिंग भी वो होता है, द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द जेंडर बजट 2005 में हमारा 2005 and 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ, बेसिंग ऑन द बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन फिनिश्ड एंड द मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ द जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट दिया था। फिर द पार्ट ऑफ डिटेल 100% प्रमिशन वुमेन एंड द पार्ट बी रेफरेंस स्कीम एलोकेशन वुमेन एंड कंसीडर लीस्ट 30% ऑफ द प्रोविजन हुआ था। तो जेंडर गैप बजटिंग फॉर द रिकमेंडेशन एंड इम्पैक्ट फॉर द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू द एलोकेशन रिजर्व पार्टी फॉर द कंपेंसेशन। तो ये हमारा 2005 स्टेटमेंट फर्स्ट इज द सही है। फिर क्या कहा था कि जेंडर बजटिंग टू इंक्लूड ओनली दिया है यहाँ पे दो स्कीम विच इज द लिस्ट फॉर इतने परसेंटेज वुमेन। तो यहाँ पे 30% है, तो यहाँ 50% बोलिए, तो ये हमारा सेकंड गलत हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। देन 59 आ जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बताना। तो क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथॉराइज्ड फॉर द रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। क्या कहता है कि रिजर्व बैंक ही करता है क्या, तो ये करता है द टेरी ट्रेड बताता है, ट्रेड एंड डिस्कॉम बोथ आर द इन्वॉल्व फॉर द बिल एक्सचेंज। क्या करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन NPCI कहता है, RBI एक्ट फॉर द भारत बिल बी पे एंड द सेंट्रल यूनिट। तो इसके ये भी सही है, भारत पे भी कल करता है NPCI, तो इसका तीनों सही हैं ABC।
फिर हमारा 30 नंबर, ये 60 नंबर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 आई विल डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सर्व द अंडर अंडरलाइंग एसिड फॉर द डिश। तो कहता है डायरवेस्टी, डायरवेस्टी क्या है, डायरवेस्टी द डायरवेस्टी इज द वेन द इंस्ट्रूमेंट एंड द कैपिटल मार्केट डिस्क्राइब देयर इज द वैल्यू फॉर द अंडरलाइंग एसिड, दिस एसिड इंक्लूडिंग टू द करेंसी बॉन्ड स्टॉक एंड, तो ये आपका जाएगा जो करेंसी होता है, बॉन्ड होता है, स्टॉक होता है, तो इसके भी सारे सही हैं, करेंसी बॉन्ड होता है, दिस आर द एंड द दिस आर एसिड, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक रिस्पॉन्स द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी विच आर द पार्ट ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कंपनी शेयर ट्रेड एंड स्टॉक एक्सचेंज होता है। फिर बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड जैसे बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन द सिक्योरिटी ट्रेड द स्टॉक एक्सचेंज कंपनी इशू फॉर द बॉन्ड रेशियो मनी एंड द ग्रोथ ऑफ स्पेंड, देन एक्सचेंज ट्रेड फंड क्या होता है, स्टॉक हो गया, देन करेंसी, तो आप जानते ये किसी में और होता है, स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है, तो ये अब उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया, फोर्थ नंबर पे अगर होता तो वही होता, करेंसी तो आप जानते हैं फॉरेन मार्केट एंड रिस्पेंट फॉर द करेंसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्पॉट आउट एंड फॉर द करेंसी स्वीप, तो ये हमारा देन हम इसको भी डिस्कस कर देते हैं 61 को ही, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल मेजरमेंट कैन बी टेकन कंट्रोल हाई इन्फ्लुएशन, कौन कौन से जो हाई इन्फ्लुएशन के लिए हमारे यहाँ पे वो हैं, द फिजिकल पॉलिसी हो गई, तो फिर टैक्सेशन हो जाता है, द इंक्रीजिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग टू द रेपो रेट बढ़ा देगी, अगर RBI अपना रेपो रेट बढ़ा देगा, द इंक्रीजिंग ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, हाँ डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएगा तब होगा, रेपो रेट बढ़ाने से थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होगी, तो हमारा देखते हैं कि थर्ड नहीं सही, देन द इंक्रीजिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देगी तो इन्फ्लेशन कहाँ से होगा, अगर फर्स्ट हमारा भी गलत है तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली ओनली 2 आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑफ रेपो रेट, रेपो रेट जब बढ़ा देगी तो हमारा, तो दिस अब 40 हमारे 39 क्वेश्चन बचे हैं जो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन and I have also provided 2 PDF in this PPT form, so thank you.